बैठे हैं भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष बिमल तोमर जी के पास, जहां प्रशासन ने सुबह 11 बजे से ही उनके आवास पर आके किसानों को और बिमल तोमर जी को अपनी निगरानी में ले रखा है। तो हम किसानों के बीच बैठे हुए हैं। बिमल तोमर जी, जानना चाहेंगे महोदय, पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है आपके प्रति? ये भारतीय किसान उनका राष्ट्रीय आह्वान था आज के पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में टोल फ्री किए जाएँ, जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जहाँ टोल हैं, नाका हैं। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट इतनी डरी हुई है कि किसान संगठन के जितने पदाधिकारी उन सबके आवास पर रात्रि में 10 बजे प्रशासन ने वहाँ रात्रि विश्राम किया, उन सबको बैठे हुए उनके आपको नज़रबंद कर रखा है, आप नहीं जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये पूछ रहा था, चाहता हूँ कि लोकतंत्र में ये कहाँ की हुआ कि कोई आदमी अपनी बात कहना चाह रहा है उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है? ये पहली बार इस आज़ाद देश में भारत में ये हो रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट किसानों से डरी हुई है, ये बैकफुट पे है, ये अपनी झुंझलाहट निकालना चाह रही है। लेकिन किसान धैर्य के साथ है, जहाँ ये रोकेंगे वहाँ हम बैठे हुए हैं। और आज मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ जनपद में गवाना टोल हमको लेकर इन्होंने नज़रबंद किया है, फिर भी गवाना टोल को वहाँ फ्री किया गया, जो टोल फ्री चल रहा है उस समय, और हमारे कार्यकर्ता पहुँच चुके हैं। और आगे जो भी रणनीति रहेगी हम वो करेंगे, कब तक हमको बंधक बनाएंगे, लेकिन जब तक गवर्नमेंट केंद्र सरकार अपने तीनों अध्यादेशों को वापस नहीं लेती है, किसानों की जो मांग है उसकी पूर्ति नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। महोदय, मैं आपसे आपको बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों से लगातार वार्ता करने के पक्ष में हैं, फिर भी किसान नहीं समझ पा रहे, इसका क्या कारण है? पक्ष में है, लेकिन कोई भी बिल आने से पहले एक संसद में उस पर चर्चा होती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनके 3-4 चाहते उद्योगपति हैं उनको पहले वेयर हाउस हर जिले में उनका निर्माण कराया दिया, उसके बाद में ये पॉलिसी लेके आए हैं। बस ये देखिए कि देश जब किसान उस चीज़ को नहीं चाह रहा है तो क्यों उसके ऊपर थोपा जा रहा है ये लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, हमने रूबरू करवाया भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष बिमल तोमर जी से, जहाँ प्रशासन की मौजूदगी में 2 दर्जन से अधिक किसान बिमल तोमर जी के साथ में बैठे हुए हैं, जहाँ प्रशासन अपनी पैनी नगर उन पर गड़ाए हुए हैं। और मैं अजीत कुमार शर्मा, सक्षम न्यूज इंडिया, खैर। आज हम खड़े हैं भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के राष्ट्र सचिव श्री सुंदर वालियान जी के पास। महोदय से जानना चाहेंगे कि आज जो आपने पूर्व की घोषणा थी कि टोल प्लाजा फ्री कराए जाएंगे, आपने आज क्या क्या कदम उठाए? हमने मैं सुंदर वालियान पहले धन्यवाद करूंगा आपके इस चैनल के लिए आपने लाए, हमने गवाहना पर टोल फ्री किया है, सिकंदराबाद पर टोल फ्री किया है, और जितनी यहाँ की है टोल फ्री आप देख रहे हैं, सब किसान यूनियन सब इकट्ठे होकर टोल फ्री, जहाँ कुछ ऐसा किया है पुलिस ने हमारे साथ में कि जो यहाँ के चंद नेता हैं उनके पास नज़रबंद कर दिए हैं, उसके बावजूद भी टोल फ्री किया है। मार्ट पे हमारे नज़रबंद कर लिए, जेवर पे लोग हमारे नज़रबंद कर लिए, और जहाँ हमारा टोल फ्री होना है और वो हमने टोल फ्री लगभग सभी पूरे कर दिए हैं, हमने आज टोल फ्री किए हैं। हमारा ये तय था कि हम पूरे हिंदुस्तान में टोल फ्री करेंगे, अगली लड़ाई ये है हमारी, 14 तारीख को जिला मुख्यालय पर हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और अगर संधू बॉर्डर से कोई बात आती है कल के लिए, अगर टोल फ्री होता है तो वो रखेंगे, हमारा मेरा ये कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, हमने रूबरू करवाया भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट के राष्ट्र सचिव सुंदर वालियान जी से। उनका स्पष्ट कहना है कि अगर उच्च स्तरीय किसानों का कल आदेश आता है तो हम कल भी टोल फ्री कराएंगे, और वरना 14 तारीख को बड़ी संख्या में किसान एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पर घेराव कर प्रदर्शन करेंगे किसान यूनियन। मैं अजीत कुमार शर्मा, सक्षम न्यूज इंडिया, खैर। जय जवान जय किसान। मैं अनिल पंडित, भारतीय किसान यूनियन भानु, जिला अध्यक्ष अलीगढ़। अपने सभी समर्थकों से निवेदन करता हूं कि मुझे रात 11 बजे से शासन प्रशासन द्वारा नज़रबंद रखा गया है घर पर ही। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वो शांति बनाए रखें, मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ घर पर, प्रशासन द्वारा नज़रबंद हूँ। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन भानु, जिंदाबाद। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।